आज आगे की क्लास शुरू होने से पहले ही मैं जो है अपना शावर लेकर आ गई थी, तो फटाफट से अब हम पूजा कर लेंगे, उसके बाद आगे की क्लास स्टार्ट होने ही वाली है बस थोड़ी देर में। बहुत जल्दीबाजी में मैं जाकर ना आई थी, वरना इतना लेट हो जाता है कि बहुत देर तक वेट करते रहो कि कब 2 पीरियड्स के बाद जब ब्रेक होगी तब नहाने जाओ, इसलिए ये होता है कि पहले आ जाओ नहा के, तो ऐसा लगता है कि आधा काम तो हो ही गया। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा एक दंत दया क्लॉकवाइज दयावंत छाय भुज धारे माथे पे तिलक सुमक मूल के सवारे क्लास चलते चलते ओगी की मैं सब्जी काट लेती हूँ। कल मैंने सब्जी ले से ऑर्डर की थी तो सब्जी आई नहीं थी, तो मेरे पास सिर्फ ये पत्ता गोभी फूल गोभी ऐसे ही रखा हुआ था और कुछ भी सब्जी नहीं थी, तो मैंने सोचा कि चलो आज पत्ता गोभी बना दिया जाए, तो वही कट कर रही हूँ। और ओगी को बीच बीच में आई वॉन्ट टू टेस्ट दिस, तो जैसे टेस्ट कराने लगी तो मुँह खोला ही नहीं उसने। तो चलिए फटाफट से सब्जी कट कर लेते हैं, और खाना भी आजकल मेरा जल्दी बन जा रहा है तो सही है, बाद में टेंशन फ्री, मतलब 12 बजे से पहले बन जाए तो फिर इजीली इसको टाइम पे खिला पाती हूँ खाना, इसलिए फटाफट से सुबह में खाना बना लेती हूँ। इतना सारा पैकेट्स आपको दिख रहे होंगे वो वाइट बॉक्स के अंदर, मतलब कुछ भी सामान जो मेरा ख़त्म हो जाता है जार्स में से, उन्हें फिर से डालने के लिए मैं इसमें ना पूरा डम करती जाती हूँ कि एक साथ डालूँगी, और वो 3-4 दिन से सोच कर हो ही नहीं पा रहा है, तो अभी सोच रही हूँ कि खाना बनाते बनाते ये काम भी कर लेती हूँ, वरना पता नहीं कितने और दिन तक ये ऐसे ही पेंडिंग रहने वाला है। सो चलिए फटाफट से ये काम किया जाए। हेलो एवरीवन, टाइम हो रहा है 12:10, जाके मेरे को आपको हेलो बोलने का टाइम मिल रहा है। तो कैसे हो आप सब लोग, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आगे का लंच ब्रेक हुआ है तो ही थोड़ा टाइम मिला, तो फटाफट से उसको लंच बनाकर दे दिया है। उसके बाद ज़्यादा ब्रेक नहीं होता, 25 मिनट का या 20 मिनट का ब्रेक होता है, तो खाना खाने में बहुत टाइम लगा था अगर वो अकेले खा रहे हैं तो, अगर मैं खिला रही हूँ तो मैं जल्दी जल्दी खिला देती हूँ, सो उसको चाहिए होता है 25 मिनट खाने के लिए, तो वो खाना खा रहा है। और वो सुबह तो भाग दौड़ में करते करते ये करो वो करो वो करो इतने सारे काम हो जाते हैं, तो अभी थोड़ा बैठी हूँ मैं भी अपना लंच कर लूँगी अभी, और उसके बाद एडिटिंग का टाइम होता है मेरे, उसके क्लास के साथ साथ थोड़ी बहुत मैं भी अपना काम कर लूँगी, दैन फिर मिलते हैं थोड़ी देर बाद। टूट भी गया इजीली वो वाला तो। अच्छा है। राइट कम। यू वांट टू लाइक इट कम? इट्स गुड। यस इट्स लाइक थाईलैंड कोकोनट। जब से ओगी को ये कोकोनट वाटर पसंद आने लगा है तो हम हर बार लेकर आते हैं, और दोनों का रहता है कि दोनों मिलकर पिएंगे, बट ये होता है कि ओगी पूरा पी लेता है और इसके पापा को कुछ नहीं मिलता, तो इस बार ज़्यादा ऑर्डर किया था सो बहुत सारा वाटर था, दोनों ने मिलकर पिया, बहुत इंजॉय किया और टेस्टी था इस बार वाटर, हमेशा थाईलैंड का आता था, इस बार आया है श्रीलंका का कोकोनट। आगे की क्लासेस ख़त्म होने के बाद मैंने उसकी सारी चीज़ें अरेंज नहीं करी थी, वैसी की वैसी थी, मैं एडिटिंग करने बैठ गई थी,
तो अब जाकर पूरी नोटबुक्स वगैरह सही जगह पर रखूंगी, तब जाके मेरा घर थोड़ा क्लीन लगेगा। सो फटाफट से ये काम ख़त्म कर लेते हैं। सब्जियां भी आ गई थी, अब इन्हें भी क्लीन वगैरह करके फ्रिज में रखना है, तो अच्छी फ्रेश सब्जियां आ गई हैं। It's the best day, and I have got this new member of our family. We got her today, and she wants the hug. Who gave you this? I'm cleaning on the. So आज जो मेरी मेड है उसने ये लेकर आई है। सो ऑगी की टॉय फैमिली में एक नया मेंबर ऐड हो गया है, उसी की खुशी में आज हलवा बनाए। राइट, फॉर सेलिब्रेटिंग, फॉर सेलिब्रेशन। व्हाट इज हर नेम? एना। एना नामकरण हो गया, आ गया, हलवा बन गया, खा लिया, सेलिब्रेशन हो गया हमारा। वेलकम टू अवर फैमिली एंड ईट सम हलवा। ईट ईट सम शी एट। सो एना सिट हियर। सो मैंने ये रेजिन्स किशमिश जो मंगाए थे इन्हें मैंने धोकर रखा है। बोलते हैं कि ड्राई फ्रूट्स भी जो है धोकर खाने चाहिए, तो अब सारे ड्राई फ्रूट्स धोकर सुखाना, इतनी धूप तो होती नहीं है कि सुखा सकूँ, तो मैं क्या करती हूँ किशमिश को ही थोड़ा धोकर, और किशमिश और खजूर ये सारी चीज़ें जिसमें जल्दी से डर्ट चिपक सकता है, वो वाली चीज़ें मैं हमेशा धोकर ही यूज़ करती हूँ, और आपको भी धोकर ही यूज़ करनी चाहिए। ओगी अपनी क्लासेस वासेस के फिनिश हो गई हैं, उसके बाद अपना फ्री टाइम इंजॉय कर रहा है, और मैं जो मेरे कभी ना ख़त्म होने वाले काम कर रही हूँ, जो एक एक ख़त्म होता है तो दूसरा बच ही जाता है, तो चलिए फटाफट से ये काम कर लिया जाए, उसके बाद फिर डिनर विनर डिनर बनाओ ये करो, फिर कंटिन्यू काम लगा ही रहता है। तो ये है आज का हमारा डिनर, पोहा। आप लोग सोच रहे होंगे कि यार डिनर में पोहा कौन खाता है, तो यार कभी कभी खाना पड़ता है, जब मॉर्निंग में बनाया हो और ज़्यादा बच जाते हैं तो फिर रात को खाना पड़ता है। एक्चुअली मैं मेड को भी देती हूँ, तो आज वो अपना लंच बॉक्स घर से लेकर आई थी, तो उसने बोला कि आज वो नहीं लेगी फूड, तो इसलिए फिर ज़्यादा बच गया। तो ऑगी और सडनली ऑगी ने भी बोला कि उसे पोहा खाने का मन है, तो मैं बोला चलो काम बन गया, दोनों अब पोहा खा लेंगे, और मैंने तो अपना कर लिया है ऑलरेडी। What are you saying? Bed dance. So ऐसे ही रहा आज का दिन, बहुत ज़्यादा बिजी 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 बिजी, बिल्कुल कुछ ज़्यादा ऐसे करने का टाइम मिला नहीं, बहुत ज़्यादा बिजी थी, बहुत ज़्यादा टायर्ड भी हो गई, और आपने देखा कि कितने बज रहे हैं, और अभी मैं सोने भी जा रही हूँ, बट इतनी जल्दी नींद आती नहीं है, क्योंकि अभी जब आगे का स्कूल शुरू होने से पहले 10-10 बजे सो रहे थे, तो अभी फिर से अपना टाइम सोने का चेंज करना वो करना थोड़ी प्रॉब्लम होती है, धीरे धीरे आदत हो जाएगी, फिर से जल्दी नींद आने लगेगी, बट थोड़ा टाइम लगेगा। तो चलिए ऑगिनी और मोलू ने आपको गुड बाय गुड नाइट बोल दिया है,
तो मेरी भी गुड बाय एंड गुड नाइट है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.